मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नाम है सचिन यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचलक्ष ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एमएस ऑफिस कोर्स को खत्म कर लिया था, उसके बाद हम यूट्यूब पर टैली कोर्स को भी स्टार्ट कर चुके थे। फिलहाल अभी हम टिप्स और ट्रिक्स की सीरीज को कर रहे हैं। हर ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे को आपको एक टिप्स और ट्रिक्स की सीरीज मिलती रहती है। तो अगर आपको ऐसी वीडियोज और देखनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ अमेजिंग वेबसाइट जो कि आपको जरूर जरूर और जरूर पता होनी चाहिए। ये काफी हद तक आपको एंटरटेन भी करेंगी और बहुत सारी नॉलेज भी देंगी, और इसमें से कुछ वेबसाइट तो काफी इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए यूजफुल भी रहेंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ में लाइक का बटन भी जरूर दबा दिया कीजिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिस्ट लिख रखी है, लेकिन लिस्ट में मतलब है मैंने ऑलरेडी आपके लिए वेबसाइट यहाँ पर खोल रखी है, ठीक है। तो सबसे पहली वेबसाइट है बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट जिसमें आप किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर कर सकते हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन जो है इस वेबसाइट को आपको लिंक में दे दूंगा। नाम है demos.algorithmia.com, लाइक बेसिकली इस वेबसाइट का नाम है algorithmia। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे algorithmia.com के नाम से वेबसाइट को हम कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं जिसके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट के थ्रू इसमें इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं जिसके द्वारा आप किसी भी फोटोज को ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल कर सकते हो। सबसे पहले वेबसाइट है फ्रेंड algorithmia.com। अगर मैं इस वेबसाइट के बारे में आपको बताऊं डिटेल में, तो ये कुछ इस तरीके के एल्गोरिथम यूज करती है जिसके थ्रू बेसिकली हम किसी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर को कलरफुल बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए तो आप देख पा रहे हैं ये एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी जिसको इसने इस तरीके से कलरफुल कर दिया, और ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से कलरफुल करता है। अगर आप इफेक्ट देखना चाहें तो ये देखिए बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट था, और यहाँ से देखिए इसको किस तरीके से इसने कलराइज किया है। और इतना ही नहीं, ये वेबसाइट इतनी अमेजिंग है कि आप किसी भी फोटोज को ये आपको लग रहा होगा कि ये मैंने पहले से बनाया हुआ है या वेबसाइट पे दी हुई है इसलिए ऐसे लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पूरी की पूरी पिक्चर को कलरफुल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और साथ में इसके अलावा अगर आप नीचे आके इसके जो कंपेरिजन है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिखा ना डाउनलोड कंपेरिजन, उसका भी लिंक दिया हुआ है, और डाउनलोड कलराइज इमेज यानी कलरफुल इमेज को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोनों ही तरह यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस है, ये भी आप ले सकते हैं तरीके से, ठीक है। ये सेकंड पिक्चर है, आप कोई भी पिक्चर पर क्लिक करके उस फोटो को लेकर उसके इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये इतनी अमेजिंग वेबसाइट है कि आप कोई नेचुरली जो आपकी पहले से ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, आपके दादी माँ के टाइम भी जब कलर फोटोग्राफी कलर कैमराज नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पर भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अब इस इमेज की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर राइट साइड में आप देख पा रहे हैं कलरफुल, और ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट इमेज थी, इसको इसने बिल्कुल अमेजिंग तरीके से कलरफुल किया। और इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम यूज करते हैं, और एल्गोरिदम वर्ड का अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि एल्गोरिदम कुछ इस तरीके की प्रोग्राम्स होते हैं, कोडिंग्स होती हैं, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं, कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं, कुछ इस तरीके के मेथड होते हैं, कोड्स होते हैं जिसके थ्रू हम किसी पर्टिकुलर चीज को परफॉर्म करते हैं। अगर गूगल की बात करें तो गूगल में आप जब कोई चीज सर्च करते हो तो वो किस तरीके से उन चीजों को सर्च करता है, उस मेथड को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। किसी भी चीज को करने के जो अलग अलग तरीके होते हैं उनको एल्गोरिथम बोलते हैं। एक ही को काम को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, उसको आप बेसिकली एल्गोरिथम कह सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं एल्गोरिथम के बाद, इस वेबसाइट के बाद, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो मैं आपको आपके सामने एक गूगल में पिक्स डाउनलोड करता हूँ। चार्ली चैपलिन की ब्लैक एंड व्हाइट इमेज हम डाउनलोड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम चार्ली चैपलिन की उस टाइम की इमेज डाउनलोड करते हैं जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी, कलर फोटोग्राफी नहीं होती थी। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया चार्ली चैपलिन ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, ठीक है, ये लिया मैंने। और यहाँ से जाके इमेजेस में से मैं कोई एक पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ से किसी और इमेज को आप डाउनलोड कर लो, ये इमेज को आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो इस इमेज पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये इमेज आ जाएगी। आने के बाद इसको डाउनलोड करना है हमें बेसिकली, ठीक है। ये इमेज है, इसको आप बेसिकली इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से राइट क्लिक करके आप यहाँ से सेव एज का ऑप्शन आता है, ठीक है, यहाँ से सेव एज करके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये इमेज आ गई आपकी, इसको आप कहीं पे भी डाउनलोड्स में या जहाँ भी आपको मन कर रहा है आप डाउनलोड कर लीजिए। करने के बाद आपको बेसिकली यहाँ पर आना है इस जो आपकी वेबसाइट से कलराइज करने के लिए, इसमें आप किसी पर्टिकुलर फोटो को जो है वो अपलोड कर सकते हो। तो अपलोड करने के लिए आप इस पर क्लिक कीजिए, और अपलोड का ये लिंक दे रखा है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका वो लिंक खुलेगा, डाउनलोड सेक्शन में आप जाइए और वहाँ से जो भी पिक्चर आपकी थी उसको बेसिकली आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। वो इमेज आपको देखनी पड़ेगी कहाँ पे है, चार्ली चैपलिन की इमेज को ओपन कर लीजिए। ओपन करने पे आपकी जो चार्ली चैपलिन की इमेज आपको लेनी है ब्लैक एंड व्हाइट वो आप ले सकते हैं। यहाँ से लिया आपने
और इसको कर दिया सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन। ओपन करने पे वो इमेज यहाँ पर आ जाएगा। मैं उसका कलराइज इफेक्ट आपको algorithmia.com में यानी इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको दिखाता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये नेचुरल तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी को कलरफुल करती है। ठीक है, और ये आप अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हैं, फ्रेंड्स को भी दिखा सकते हैं, और किसी ऐसी फोटो को जो हम चाहते हैं कि हमारे दादी माँ के टाइम पे या हमारे पेरेंट्स के भी पेरेंट्स के टाइम पे कुछ ऐसे पिक्स होती थी जो हमें बहुत पसंद है, लेकिन हम उसको ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा कलरफुल देखना चाहते हैं। तो आप देखिए बिल्कुल नेचुरल तरीके से इस पिक्चर को, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी थी लाइक इस तरीके की थी, इसको बिल्कुल नेचुरल तरीके से इसने कलर कर दिया, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको इसके कंपेरिजन को डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे नीचे आइए। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन आता है डाउनलोड कंपेरिजन का, इस फोटो को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये फोटो डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड करने पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से ओपन में जाइए, और कंपेरिजन है वो जो कंपेरिजन है वो देखिए इस तरीके से डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कि अगर हमें पूरी फुल इमेज चाहिए तो आप इसको यहाँ पे पूरा कलरफुल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर विदाउट कलरफुल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ऐसा नहीं कि कलरफुल करने के बाद ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको बेसिकली जैसा ठीक लगे ऐसे लेके और इसको इस तरीके से लेके आप यहाँ से आप ये डाउनलोड कलराइज इमेज पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से पूरी कलर इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से पूरी कलरफुल इमेज भी आ जाएगी, इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही इमेज डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे आप देखें कलरफुल इमेज भी डाउनलोड हो गई। तो आप ये वेबसाइट जो है एकदम समझ लीजिए वरदान की तरह आपके लिए। इस वेबसाइट में कोई भी पिक्चर आप डालिए, वेदर आप अपलोड करना चाहते हैं या यहाँ पे पर्टिकुलरली लिंक डालना चाहते हो फोटो का, ये सारी चीजें करके और यहाँ से आप इसको कलराइज कर सकते हैं, या फिर उसका कंपेरिजन यहाँ से करके कंपेरिजन वाली इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप फुल कलराइज इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये इमेज बहुत पसंद आई होगी। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है algorithmia.com और ये डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम यूज करती है टू कलराइज एन इमेज। ठीक है, आई होप आपको ये पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ, ये है एंशियंट अर्थ का ग्लोब। ठीक है, और यहाँ पर आपको बिफोर लाइक आप देख सकते हैं 105 मिलियन, 90 मिलियन और इससे ऊपर 600, 700, 750 मिलियन यानी करोड़ों वर्षों पहले तक की आपके अर्थ का ग्लोब मिलेगा। लाइक मैं 750 मिलियन ईयर्स एगो का ग्लोब अगर आपको दिखाऊं तो उस टाइम हमारी अर्थ कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती थी। अगर आप देखें मैं पूरा इसको गोल करके हर एंगल से आपको दिखा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी पूरी धरती पे था। आप देख रहे हैं लैंड के नाम पर सिर्फ मात्र कुछ टुकड़े थे और बाकी जो है, थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, स्क्रॉल बार से आप इसको बड़ा कर सकते हैं इस इमेज को, और अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए कितना ज़्यादा फर्क था यहाँ पर। ठीक है, ये इमेज हमारी जो अर्थ की है ग्लोब का, ये बहुत ही ज़्यादा लाइक डिफरेंट था। ठीक है, देखिए हर जगह बस ये जो नीला नीला पोर्शन आप जो भी देख पा रहे हैं सब पानी से भरा हुआ है, लेकिन अर्थ पे पानी ही पानी था। लाइक 750 मिलियन एगो जब हमारे अर्थ पे डायनासोर हुआ करते थे तो उस टाइम पे हमारी अर्थ कुछ ऐसी होती थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 600 मिलियन एगो की, तो देखिए आपका अर्थ पे थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ डिजाइनिंग्स आने लग गई हैं, लाइक कुछ चीजें बदलने लगी हैं, कुछ हमारा अर्थ जो है इस शेप में आने लग गया था। यहाँ पर कुछ कुछ भूमि के टुकड़े, जमीन के टुकड़े अपनी शेप लेने लग गए थे 600 मिलियन ईयर्स एगो की बात है ये। 550 मिलियन 540 मिलियन एगो की अगर हम बात करें तो हमारी अर्थ जो है उस टाइम पे, आप इसके बारे में डिटेल भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है अर्ली कैम्ब्रियन मास एग्जिस्टिंग हैज जस्ट टेकन प्लेस आफ्टर वार्ड द फॉसिल रिकॉर्ड शो द ड्रामेटिक एक्सपेंशन ऑफ एनिमल लाइफ इन द सी नोन एज कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। इसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर सिटी को सर्च करना है तो एंटर द सिटी नेम टू व्यू इट ऑन द ग्लोब। अगर आप किसी पर्टिकुलर सिटी के बारे में सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डालिए, वहां से भी आ जाएगा। और अगर आपको फर्स्ट मल्टी सेलुलर लाइफ चेक करनी है या फर्स्ट सेल चेक करना है तो उसके अकॉर्डिंग भी ग्लोब आपको यहाँ पर शो करेगा। डिस्प्ले ऑप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, रोटेट कर सकते हैं या फिर इक्वेटर के हिसाब से या ब्राइट लाइटनिंग के हिसाब से आप जो भी करना चाहते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर शो होंगी। जूम इन से आप बड़ा कर सकते हो स्क्रॉल बटन से, और जूम आउट से आप छोटा कर सकते हो, इस तरीके से आप देख सकते हो। बाकी इसको आपको मूव करना होगा थ्रू द माउस ताकि आप इसको अलग अलग एंगल से देख सको, और यहाँ पर आप लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो, और कुछ डिटेल्स आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। सेलेक्ट इवन द सिटी का भी टाइप करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और अगर डायनासोर के डेटाबेस पे आपको चेक करना है तो वो आप यहाँ पे इस लिंक के थ्रू बैक टू डायनासोर डेटाबेस के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो। वहाँ पर आपको डायनासोर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी ग्लोब के थ्रू। एंशियंट ग्लोब के नाम से ये वेबसाइट है। ठीक है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप बेसिकली dinosaurpictures.org नाम से है ये। तो एंशियंट अर्थ का सेक्शन है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, ये आप वहां से लिंक चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर आके इन चीज़ों को कर सकते हैं। आई होप आपको ये वेबसाइट भी पसंद आई होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इन वेबसाइट के जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो है time.is/India, क्योंकि ये इंडिया का टाइम दिखा रहा है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि
करेक्ट टाइम टेबल या करेक्ट टाइम पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे है। तो सब लोग ग्रीन ग्रीनविच विद मीन टाइम को सबसे बेस्ट टाइम मानते हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि उसके टाइम में भी लगभग 1 या 2 मिनट का अंतर आ जाता है, लेकिन ये जो इस वेबसाइट के थ्रू जो टाइमिंग दिखाया जाता है पूरे वर्ल्ड में सबसे एक्यूरेट टाइम, जब मैं बोलूँ एक्यूरेट तो मीन्स एक्यूरेट का मतलब 100% एक्यूरेट टाइम इस वेबसाइट पर आपको मिलेगा। इस टाइम जो करेक्ट टाइमिंग शो कर रहा है ये वही करेक्ट टाइमिंग है जो इस पर्टिकुलर वेबसाइट के द्वारा दिखाया जा रहा है, जो ग्रीनविच विद मीन टाइम का एक्यूरेट टाइम है। ग्रीनविच विद मीन टाइम जो एक टाइम दिखाता है, जो टाइम शो करता है एक्यूरेट टाइम, उस टाइम को ये बेसिकली शो करता है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम होता है इस वेबसाइट का। इससे ज्यादा एक्यूरेट आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताएगी। अगर आपको कभी भी एक्यूरेट टाइम मैच करना है, अपनी घड़ियां, अपने अलार्म, जो भी आपको सेट करना है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए। तो आई होप आपको ये भी वेबसाइट बहुत काम देगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, तो इसको भी नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला है हमारा, थोड़ा सा अगर हम मस्ती के वे में लें तो एक वेबसाइट है ये stroop.cool के नाम से। यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग तरह के इल्यूजन मिलेंगे जो आपको काफी ज्यादा एक्साइटेड करेंगे। अगर आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, सभी वेबसाइट्स का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज वहां से चेक कर लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ लेट्स गो के ऊपर, तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से अपने स्क्रीन को फुल स्क्रीन करके, अपनी कंप्यूटर को फुल स्क्रीन करके एक बार इल्यूजन को कुछ देर तक देखिए, आपकी आंखें चकरा जाएंगी और बहुत आपको अजीब सा महसूस होगा। तो ये वेबसाइट कुछ एक्साइटिंग टाइम पास करने के पर्पज से बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, और जस्ट एक इल्यूजन क्रिएट होता है और आपकी आंखों के आगे कुछ अंधेरा सा छा जाएगा, तो इसको भी ट्राई जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वेबसाइट जो स्टूडेंट वो है हमारी zoomquilt.org के नाम से। ये वेबसाइट बेसिकली इनफाइनाइट जूम प्रोवाइड करती है हमें, जितना ज्यादा आप इसमें जाएंगे ये इनफाइनाइट जूम आपको देगी, जूम जूम और ज्यादा जूम, जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा जूम, ठीक है, और जूम जितना ज्यादा आप जाते रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं है भाई, ये रुकेगी भी कि नहीं रुकेगी, जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस लेवल तक आपको जूम करके देगी, जितना भी ज्यादा आप जाते रहेंगे और जूम और जूम और जूम और जूम, तो लाइक एक इनफाइनाइट जूम ही आपको प्रोवाइड करती है और बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से, लाइक आप देखते रहिए आपका समय खत्म नहीं होगा लेकिन ये जूम करता ही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी वेबसाइट पसंद आई होगी। इसमें कुछ हॉरर पिक्स भी हैं जो आपको काफी एंटरटेन करने वाली है, तो इसको भी आप देखिएगा जरूर स्क्रीन पर। आप देखिए और जूम मोर मोर एंड मोर, ये आपके लिए इनफाइनाइट जूम करती रहेगी जब तक कि आप थक ना जाएं, पक ना जाएं और इस वेबसाइट को बंद ना कर दें। तो आई होप आपको ये भी पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ स्टूडेंट्स। तो अगली वेबसाइट है पॉइंटर टू पॉइंटर। इस वेबसाइट में बेसिकली pointerpointer.com करके इस वेबसाइट का नाम है। इसमें सबसे खास बात है जो कि आपको बहुत ज़्यादा अमेज करने वाली है, पता नहीं इन्होंने किस तरह का एल्गोरिथम यूज़ किया, लेकिन आप जहाँ पर भी पॉइंटर रखेंगे बेसिकली उस जगह पर एक फिंगर पॉइंट आउट होगी। किसी भी जगह पूरे स्क्रीन पर कहीं पर भी आप पॉइंटर रखिए, वहाँ पर एक इमेज जो है वो बेसिकली आपकी तरफ पॉइंटर की तरफ पॉइंट आउट करेगी। दैट्स वाई इमेज, मतलब इस बेसिकली वेबसाइट का नाम है पॉइंटर पॉइंटर। अब देखिए यहाँ पर हमने रखा तो आ रहा है, नेक्स्ट हम अगर यहाँ रखते हैं तो यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसी इमेज आएगी जो इस पर्टिकुलर पॉइंटर की तरफ पॉइंट आउट करेगी। तो बेसिकली यहाँ पर बोल भी रहा है पॉइंटर लोकेटेड पॉइंटिंग, तो लाइक जो पॉइंटर आपका लोकेट किया गया उसको पॉइंटिंग किया जाए। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ रखता हूँ तो भी, ठीक है, इस तरीके से आपकी पॉइंट आउट करेगी। तो आई होप आपको ये वेबसाइट भी काफ़ी अमेज करने वाली है, तो इसको भी जरूर ट्राई कीजिएगा फ्री टाइम में, लाइक एक छोटी मोटी गेम खेलने के लिए और टाइम पास करने के लिए वेबसाइट काफ़ी अच्छी है। अगर आप नेट पे इंटरनेट पे कुछ काम करते करते बोर हो गए तो हम टाइम पास के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर ऐसे टाइप पर आपका एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब कई बार बच्चों को हम बहुत सारे आपके फ्रेंड्स को या आपको भी ऐसे टाइप करने के लिए मिलता है, और इवन जैसे अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो ऐसे ना भी मिले तो जो हमारे बड़े भाई बहन हैं कलीग हैं जिनको ये वेबसाइट बेसिकली बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि अगर आपको किसी भी टॉपिक पे मैटर चाहिए तो जस्ट वो टॉपिक आप यहाँ पे लिखिए। लाइक मैं बोल रहा हूँ वर्ल्ड वॉर के ऊपर मुझे कुछ मैटर चाहिए, तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए वो टॉपिक लाइक वर्ल्ड वॉर, ठीक है, वर्ल्ड वॉर। तो उस पर करते ही जैसे आप इस इमेज पर क्लिक करेंगे, ठीक है, टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा वर्ल्ड वॉर से, और आप कुछ भी लिखिए, लाइक कुछ भी लिखिए और वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड, लाइक आप कितना भी फास्ट टाइप कीजिए, मैं अपने फटाफट अपने कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑटोमेटिकली चीज़ें लिखी हुई आ जाएंगी, तो आपको फटाफट एक वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड एक टॉपिक मिल जाएगा और आप इस तरीके से अपने ऐसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके फ्रेंड भी देख के हैरान होंगे कि आप कितने फास्ट टाइप कर रहे हो, तो आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये वेबसाइट आपको आई होप बिल्कुल 100% पता होनी चाहिए, जो बहुत ही काम की वेबसाइट है। बीच बीच में थोड़ी इंटरटेनिंग वेबसाइट इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और आप वीडियो देखते देखते बोर ना हो, ठीक है। तो ये दो वेबसाइट पॉइंटर टू पॉइंटर और ऐसे टाइप पर इस वेबसाइट का नाम है। इन सब के लिंक मैं आपको डाउन लाइक लिंक में दे दूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा।
तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट थी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अगली वेबसाइट आती है हमारी एमएस ऑफिस को यूज करने के लिए। कई बार हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होता और एमएस ऑफिस ना होने की वजह से हम वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को यूज नहीं कर पाते, तो उस केस में ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बेसिकली ये office.com के नाम से एक वेबसाइट है, ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप एमएस ऑफिस को यूज कर सकते हैं, भले ही आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस हो या ना हो। तो आप यहाँ पे जाएंगे गेट ऑफिस पे, अगर आपको ऑफिशियली यूज करना है, परचेज करना है, तो आप साइन इन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप गेट ऑफिस लेके सिर्फ कुछ काम करना पड़ेगा दो चार, तो आप यहाँ से गेट ऑफिस पे क्लिक कीजिए और आपको बेसिकली गेट ऑफिस पे क्लिक करते हैं एमएस ऑफिस मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से जो भी यूज करना चाहते हैं एमएस ऑफिस में, लाइक जो भी पैकेज आपको यूज करना है फॉर होम पर्पस आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर यूज करना है तो आप उसको परचेज भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे पैकेजेस दिए हुए हैं, लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप जस्ट नॉर्मल लेके भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, यानी वर्ड लेना है, एक्सेल लेना है, पावर पॉइंट लेना है, जो भी आपको लेना है आप उस चीज को ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपको नहीं पाई करना है 2019 या कोई भी, तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नॉर्मल Office 365 का भी यूज कर सकते हैं। ये Office 365 दे रखा है, लाइक पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिजनेस पर्पसेस से भी ले सकते हैं आप, ठीक है, और फैमिली पर्पसेस से, लाइक फ्री आपके पर्सनल यूज के लिए आप ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया, पेमेंट मेथड बहुत सारे हैं, आप किसी भी तरीके से बाय कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में जाके और भी चीज़ें हैं जिसको आप चेक कर सकते हो। और हम अब चलते हैं इसके बाद अगली वेबसाइट की तरफ स्टूडेंट्स, जो कि हैकर टाइपर। ये बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है, अगर आपको अपने दोस्तों को लाइक परेशान करना है या उन्हें रिझाना है, उनको उनके साथ एक तरीके से कह सकते हैं मजाक करना है, तो आप यहाँ पर उनको ला कर इस वेबसाइट पर पर्टिकुलरली आप कुछ भी कीबोर्ड से टाइप कीजिए, यहाँ पर एक कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसे लगेगा कि आप कुछ इतना फास्ट टाइप कर रहे हो, और वो आपसे पूछेंगे कि भैया आप इतना फास्ट कैसे टाइप करते हो, या उनको ऐसा लगेगा आप बहुत ही कम अमेजिंग लाइक हैकिंग टाइप में स्किल्स आपको बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, आप हैकिंग कर रहे हो, और वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो ये एक उनके ऊपर इंप्रेशन डालने का बहुत ही अच्छा तरीका है, इस वेबसाइट के थ्रू आप उनको इम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लास्ट वेबसाइट है हमारी द टाइपिंग कैट करके नाम है इस वेबसाइट का, thetypingcat.com। और ये वेबसाइट बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है, हमें कई बार सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ता है टाइपिंग सीखने के लिए, लेकिन ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आके आप ऑनलाइन टाइपिंग कर सकते हैं, पर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। टाइपिंग कोर्सेज भी आप यहाँ से ले सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट भी दे सकते हैं, और टाइपिंग गेम्स भी खेल सकते हैं। तो टाइपिंग कोर्सेज में बहुत सारे हैं, बेसिक कोर्स है, एडवांस है, और भी बहुत सारे हैं जो आप परचेज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको डायरेक्टली टाइपिंग टेस्ट देना है तो आप यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट पे आइए, और टाइपिंग टेस्ट आते ही आप ओनली स्टार्ट कर लीजिए, 1 मिनट का है, 3 मिनट का है, 5 मिनट का, जो भी टेस्ट आपको देना है उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट ले सकते हैं, और कोई भी की अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए, लाइक मैंने की प्रेस की, और यहाँ से जो भी आपको बोल रहा है वो आप टाइप कर सकते हो, लाइक however.com इस तरीके से मैंने टाइप किया है, और इस तरीके से जो भी आपका गलत होगा वो रेड कलर में आएगा, जो सही होगा आपका वो ब्लैक कलर में आपको शो हो ही रहा है। तो आई होप आपको ये वेबसाइट भी बहुत अच्छी लगेगी, जिसमें आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और कोर्सेज परचेज कर सकते हो, और भी बहुत कुछ है, टाइपिंग गेम्स वगैरह भी हैं, टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग कोर्सेज हैं, प्राइसिंग प्लान भी हैं, वो आप उसके अकॉर्डिंग आप टाइपिंग कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑफिशियल कोर्सेज भी हैं, ये आप चेक कर लेना। ये वेबसाइट बहुत ही कमाल की अमेजिंग वेबसाइट है, सबसे बड़ा यूज है कि आप ऑनलाइन विदाउट किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए टाइपिंग का यूज कर सकते हैं, टाइपिंग सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।